गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स आज होली की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं नहा आके पूजा करने चली आई हूँ और देखिए अब मैं क्या बनाती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं अपने बड़े वाले मिक्सर जार को धो रही हूँ क्योंकि वो मेरा रेगुलर काम में नहीं आता है। मसाला वसाला पीसती हूँ तो छोटे वाले में ही काम आ जाता है मेरा, हो जाता है उसमें। तो मैं उसे पहले साफ़ कर ले रही हूँ, फिर गाइस मैं उसमें दाल पीसूंगी। दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं। फिर मेडिसिन लेने के बाद मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं सोची फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के साथ भी ये दही बड़े की रेसिपी मतलब शेयर कर देती हूँ। और मैंने भी वीडियो शूट करना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं अनिकेत मेरा वीडियो शूट कर रहा है और मैं दही बड़े बनाने के लिए दाल पीस रही हूँ जो कि मुझे बार बार चलाने पड़ रहे हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला जाता है, नहीं तो बड़े मतलब पतले हो जाएंगे वो बड़े का जो बैटर होता है। इसलिए मैं बार बार उसे चम्मच से चला चला करके और पीस रही थी। सो गाइस मैं कल रात को ही दाल भिगो कर छोड़ दी थी और पानी डालकर छोड़ दिया था। कब करीब 8 घंटे तक आप दाल को फुला के रखे हैं गाइस तो बहुत अच्छा मतलब सुस्वादु और टेस्टी बनता है और सॉफ्ट भी होते हैं बड़े। गैस मुझे बहुत गर्मी लग रही थी किचन में तो मैं रूम में आ गई। ये मेरा मूंग का दाल है और नीचे आप देख रहे हो चने की दाल है। मैं दोनों दालों की अलग अलग बड़े बनाऊंगी। सो गैस मैं अब गैस जलाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे दाल पिस चुके हैं, अब मैं बड़े बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं इसमें अब तेल डालूंगी। दाल को पीसने के बाद थोड़ी देर ढक के रख दें, उसके बाद उसे अच्छी तरह फेंट लें क्योंकि अगर आप नहीं फेंटेंगे तो ये सख्त बन सकता है आपका जो पकौड़ा बनेगा बड़े। और तेल गर्म हो चुका है मेरा, अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी। फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जब उसे अच्छी तरह फेंट ले तो एक कटोरी में पानी लेकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो आप छोटे से बड़े को डाल के देखें अगर वो ऊपर में तैरने लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बड़ा बहुत सॉफ्ट बनने वाला है। गाइस जब आप बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, हाथ से मिला लेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये जो मेरा बैटर ऊपर आ गया है तैर कर, तो वो आपको पता चल जाएगा कि पूरा मेरा परफेक्ट बन चुका है ये बैटर और आपके दही बल्ले जो हैं सो बड़े सॉफ्ट बनेंगे। बहुत कड़े बन जाने से कोई खाना भी पसंद नहीं करेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये टिप्स आप लोगों को दे रही हूँ। कॉमेंट करके आप बताएँ मेरा ये टिप्स आपको कैसा लगा। गाइस आप देख सकते हैं मैं एक एक करके बड़े उसमें डाल रही हूँ तेल में और आँच यहाँ पे ना तो कम रहेगा ना ज़्यादा, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप मीडियम आँच पे रखें और आहिस्ते आहिस्ते करके उसे हिलाएं। जब वो ये हो जाएगा तब थोड़ा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसे हम ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हिला रही हूँ और ये मेरा तैयार होता जा रहा है बड़ा। गाइस आप देख सकते हैं मेरे जो बड़े हैं वो पूरे गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इसे करछी की सहायता से निकाल लूँगी। गाइस आप इसे अपने टिश्यू पेपर पर ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो करछी मतलब तिरछा कर करके निकाल रही हूँ जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो मेरा वापस कढ़ाई में चला जा रहा है। गैस और मेरा ये थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है मूंग दाल वाला, उसे भी मैं सेकेंड बैच में फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बाद मैं चने की दाल वाली बनाऊंगी, उसमें मैं काजू किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। देखिए गाइस मैं इसे भी अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ, ये चने दाल की है, ये बैटर जो है चने दाल की है और देख सकते हैं आप कितना फूला फूला सा बैटर हो चुका है हमारा। अब
अब मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ गाइस। इसे भी सेम ऐसे ही फ्राई करना है, ये भी हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी। ये भी मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें प्लीज़, आपके लाइक करने से मेरा मनोबल और बढ़ता है और मैं कुछ ना कुछ और नया कुछ बनाना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं गाइज ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, पिस्ता और ये आपका किशमिश है, इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। फिर मैं इसके भी बड़े बनाऊँगी। गाइज आप लोगों को अगर मीठी मतलब दही बनानी है दही भल्ले तो उसमें थोड़ी सी आपको चीनी का पाउडर बना के डालना पड़ेगा उसमें, और अच्छे से फेंट लेना होगा दही को ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है बड़े में डालकर खाने में। आप देख सकते हैं मैं दही डाल रही हूँ, आपको मीठा पसंद है या नमकीन वाला पसंद है तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं। गाइस मैंने ये गर्म पानी ले लिया है, इसमें मैंने नमक भी डाल दी है, और आप देख सकते हैं गाइस कि मैं इसमें एक एक करके सारे बड़े डुबा दे रही हूँ, मतलब सारे नहीं जितने मैं अभी खाऊंगी उतने ही मतलब डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी में डाल देना भी ठीक नहीं रहता है। और खाने के आधे घंटे पहले भी आप इसे डुबा देंगे पानी में तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं बड़े, क्योंकि अच्छे से फिटे हुए बड़े हैं, फिट के बनाए हुए हैं। और गाइस इसके बाद हमारा दही भल्ला तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें काला नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आपको जो अच्छा लगता है अपना गोल मिर्च का पाउडर वो सब अपने मसाले बना कर के इसमें डालें और काफ़ी टेस्टी लगता है गाइस। फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरा दही बड़ा बनके तैयार हो चुका है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और आप लोग चाहें तो इसमें हरी चटनी या इमली की चटनी बनाकर भी डाल सकते हैं, मुझे चटनी वाली पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाई ये चटनी। आप लोग ऐसा ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ यहीं पर गाइज। सो गाइज अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। Stay safe, stay healthy. Bye-bye, guys.